हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी नेगी पहाड़ी फैमिली। सो आज मैं सोची कुछ चटपटा बनाया जाए, तो मैं अपनी बेटी से पूछी क्या खाना है, तो जो बोली पोटैटो खाना है मम्मी। सो पोटैटो मुझे प्लेन पोटैटो इतने पसंद नहीं है, तो मैं सोची पोटैटो को दूसरे स्टाइल में बनाया जाए आज कुछ। तो मैंने सोचा चटपटे पोटैटो बनाते, उसके लिए मैंने दो आलू लिए। आलू को पहले पिलोप कर लिया, उनको लंबे लंबे में काट लिया, जैसे कि बोलते उसके लिए फ्रेंच फ्राई की तरह थोड़ा काट लिया, थोड़े मोटे मोटे काटे हैं मैंने इनको। और इनको मैंने पानी पहले से ही रखा हुआ था बॉईल होने के लिए, उसमें मैंने पोटैटो डाल दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से काट सकते हो, आपको जिस शेप में चाहिए, पर मुझे ऐसे वाले अच्छे लगते हैं। तो मैंने ऐसे में काटा, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया। तो आलू थोड़े से मोटे काटना है, पतले नहीं काटने हैं, नहीं तो मैसी हो जाएंगे। इनको कुक के लिए मैंने थोड़ा देर छोड़ दिया है, जैसे ही ये कुक हो जाएंगे अच्छे से। इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़े 5 मिनट ना। इधर मैंने फिर सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दिया है। सब्ज़ी के लिए मैंने लिया कैप्सिकम, उनको अच्छे से काटा, लंबे में काटा है कैप्सिकम को भी। पूरा एक कैप्सिकम मैंने पूरा लिया है, तो मैंने एक कैप्सिकम को पूरा काटा अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने गाजर, थोड़ा सा आधा गाजर लिया है, आधा गाजर को भी मैंने अच्छे से काट लिया, लंबे में ही काटा है गाजर को भी। आपके पास जो सब्ज़ी है आप वो सब्ज़ी ले सकते हैं, मेरे पास ये सब्ज़ी थी, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने ये वाली सब्ज़ी काटी। आपके पास अगर और कुछ सब्ज़ियाँ हैं तो आप वो डाल सकते हैं, पर ऐसी सब्ज़ियाँ डालें जो कि मतलब ईजी कुक हो जाए, जो और जिनको हाफ कुक खाने में भी मज़ा आए, मतलब अच्छा लगता है, वो वाली सब्ज़ियाँ आप डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर दो मशरूम को भी चॉप कर दिया। उसके बाद मैंने ऑनियन लिया, ऑनियन मैंने हाफ ही कट किया है, फुल ऑनियन कट नहीं किया मैंने। तो आप जितने क्वांटिटी में बना रहे हो उस हिसाब से आप सब्जियां ले सकती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बनाया, दो आदमियों के लिए बनाया, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां ली हैं सारी। और फिर मैंने उसके लिए ग्रीन चिली मैंने दो ही ली है, मेरी बेटी को तो पसंद नहीं है चिल्ली, तो मैंने उसके लिए तो सेपरेट पोटैटो निकाला, क्योंकि वो चिल्ली खाती नहीं है, तो उसको तो मैंने पोटैटो फ्राई करके ही उसने खा लिया था। सब्जियां मेरी सारी अच्छे से चॉप हो गई हैं। इधर मेरा आलू भी रेडी है, सो आलू को मैंने बस ओवर कुक नहीं करना था, इसको इतना ही कुक करना है। इवन तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुक हो गया, आप इससे भी थोड़ा कम कुक करेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने चेक किया, आलू रेडी है। इधर मैं गार्लिक चॉप करना थोड़ा भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। आप इसमें वो क्या बोलते हैं अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन अदरक दोनों चीज़ डाल दिए मैंने। लहसुन लिया, अदरक मैंने लिया नहीं। इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। जो रेडी हो गए थे उसमें अब हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर लिया, थोड़ा सा चिली पाउडर मैंने इसमें डाला, थोड़ा थोड़ा डालना है, मसाले ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैंने इसमें आपका कोरिएंडर डाला और क्या बोलते हैं उसके लिए क्यूमिन पाउडर डाला थोड़ा सा। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा ये राइस पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर मैंने इसमें ऐड किया, 2 स्पून ओनली, ज़्यादा तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि क्वांटिटी कम थी। जितनी क्वांटिटी आप उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो इनको आप मिक्स कर देना। इसमें मैंने थोड़ा सा पोटैटो केचप डाल दिया, केचप डाला है, तो आज थोड़ा सा सोया सॉस मेरे पास था, सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। बट इसमें क्या बोलते हैं राइस पाउडर और कॉर्नफ्लावर ऐड करना ज़रूरी इसलिए है कि इससे क्रिस्पी बनेगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ऐड किया। अब इसको हल्के से
फ्राई करने के लिए इधर डाल दो, मतलब फ्राई नहीं किया है, हल्के से मैंने इसको तेल में ही मैंने इसको बनाया है, जैसे सब्जी की तरह बनाते हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, ऑयल बहुत कम डालना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्पी टाइप का बना हुआ है। मेरी बेटी को तो ऐसे ही अच्छा लगता है, उसको बिना सब्जी के, सब्जी ऐड नहीं करना, बस पोटैटो, ऐसे ही बच्चे लोग ऐसे ही खा लेते हैं, वो पराठों के साथ पराठे बनाए और ऐसे पोटैटो खा लेती हो। बहुत जल्दी बन गए थे ये, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी रेडी थे, तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर मैंने तो तेल गरम किया, उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, अदरक डाला चॉप करे हुए, जो सब्जियां मैंने काटी हुई थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी। दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये, दिखने में जितने अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी रहता है, बिलीव मी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने केचप डाला, टोमेटो केचप, और सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करा। क्वांटिटी कम बना रही थी इसलिए थोड़ी थोड़ी डाल रही थी, आप जिस हिसाब से क्वांटिटी बनाओगे उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो कम ज़्यादा, क्योंकि मैं तो थोड़े से ही बनाए दो पोटैटो के। इसमें मैंने जो हमारे पोटैटो फ्राई रेडी हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए। देखो गाइस कितना यम लग रहा है, देख दिखने में, और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी। इसमें मैंने केचप थोड़ा सा और ऐड किया, मुझे थोड़ा सा कलर का लग रहा था। आप इसमें थोड़ा सोया सॉस और ऐड कर सकते हैं, मुझे सोया सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए थोड़ा कम ऐड किया। आप उसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं सोया सॉस। देखो कलर, देखो कितना यम टेम्पटिंग लग रहा है ना। हमारे चटपटे पोटैटो रेडी हैं, सो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा आया, कैसे पसंद आया कि नहीं आया। आप इसको ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे ही खा लिया था, आप पराठे के साथ इसको खाइएगा, बहुत आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी सब्ज़ी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स और लाइक एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और मसाले कम ही ऐड कीजिएगा, मसाला ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारा चटपटे आलू रेडी। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो सो यम, इतने सॉफ्ट बने थे, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आया।